सो गाइस अभी हम परेड ग्राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पे रावण बन रहा है। अभी ये लोग सामान ला रखे हैं तो अभी इसे असेंबल कर रहे हैं, अभी बम बम फिट कर रहे हैं ये सब, और न्यूज़ वाले भी आ रखे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ पास से रावण में क्या क्या लगता है, बम कौन से टाइप के लगते हैं ये सब। तो ये सब टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते आपको मेरे पीछे दिख रही होगी लंका। तो ये गोल्ड शीट से बनाई है इन्होंने और इसमें बांस के डंडे लगाए हैं और कत्ता ये सब लकड़ी वकड़ी, तो ये सारा सामान लगा के बनाया है इन्होंने। और तो बहुत बड़ी बनाई है, इस बार मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बनाई है इन्होंने लंका, आपको दिख रही होगी। और अभी भी काम चल रहा है इस पर, पता नहीं कितना टाइम लगेगा बनाने में, वैसे शाम तक तो पूरी कर ही देंगे क्योंकि कल दशहरा है फाइनली। तो भाई आपको ये दिख रहे होंगे सामने, तो इन लोगों ने लंका बनाई है। अब इनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि लंका में ये बनाने में क्या क्या सामान लगा है और कितना टाइम लगा है और ये कहाँ से लाते हैं सारा सामान ये सब। भाई तो इसे बनाने में कितना टाइम लगा? इसे बनाने में 1.5 घंटा। और तो ये किस किस सामान से बनाया है? ये इसमें बांस लगे हैं और इसमें कपड़े, इस बार कपड़े लगाए हैं, ये कपड़ा स्पेशल सूरत से आया है। अच्छा, ये गोल्ड का कपड़ा है? हाँ। गोल्ड वाला कलर होगा ना, गोल्डन कपड़ा। और ये मतलब यहीं पे पूरा बनाया है, बना के लाते हो फिर यहाँ पे जोड़ते हो? ये मच्छी बाजार में आश्रम वहाँ से बना के लाए, एक आश्रम में उसे बनाकर। इसमें बम बम कितने लगे होंगे? इसमें 3,000 गोले लगे हैं बम के। वो डायनामाइट जैसे जो होते हैं, नहीं वो स्पेशल बनाने वाले अलग आते हैं उसके। अच्छा, मतलब इसके लिए अलग ही बम बनाते होंगे। ठीक है भाई, चल धन्यवाद। तो भाई ये कपड़ा स्पेशल सूरत से आया है गोल्ड कलर का, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, छूने में भी बहुत मुलायम सा है और जालीदार टाइप का ये है। तो भाई ये अंदर से सारा ऐसा है। तो भाई और तो ये ऐसे बनता है किला, और इसके पीछे ये सब सामान है, देखो ये बांस है और ये कपड़ा है, और जो बाहर तो दिखाई दिया था आपको सोने वाला कपड़ा, बाहर से आपने देख भी लिया होगा कैसे टाइप का दिख रहा है। तो ये सारा है और बम वम भी लग रहे हैं, शाम तक इसमें और बम लग जाएंगे और लाइटें वाइटें भी लग जाएंगी, लड़ियाँ वड़ियाँ वही सब। तो भाई ये सब है। भैया इसमें कितने बम लगेंगे पूरे उसमें नीचे? 250 इसमें नीचे वाले में, इसमें ही खाली फ्रॉग में, इसी पार्ट में 250। अच्छा 250, और पूरे पुतले में 1200। तो आपके मेरे पास, तो आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे मेघनाथ का सिर है और ये चारों तरफ ये रावण का मुंह, मुकुट, लंका, ये सारा सामान यहाँ पे फैला हुआ है। तो आ जाओ मेघनाथ के मुंह के पास चलते हैं और देखते हैं कैसा है। तो भाइयों यार ये है रावण का मुकुट, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत बढ़िया बना रखा है ये, देखो ये रावण की तलवार भाला नहीं, और ये है मुकुट आपको सामने से दिख रहा होगा, और ये हाथ वाथ पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये कुंभकर्ण है, और वो लंका है आपने सामने देख ही लिया, और ये बहुत बढ़िया लग रहा है, और जब उसके सिर पे लग जाएगा तब तो और धांसू लगेगा। ये पूरी LED जो लगी हुई है, रात को जब जलेगी धांसू लगेगी एक ना। तो आपको बम दिख रहा होगा, ये डायनामाइट है, इसी टाइप के लग रहे हैं इसमें बम बहुत सारे, और ये बहुत तेज़ फूटेंगे, आपको दिख रहे होंगे सारे लटके पड़े हैं।
सो गाइस बस इतना ही यहाँ पे है और देखते हैं शाम को आने का प्लान बनता है तो आएंगे। वैसे मेरे ख्याल से मेरा तो मन हो ही रहा है यार, क्योंकि लाइटें वाइटें जब जलेंगी तो और बढ़िया दिखेगा, ग्लो करेगा जब पूरा सारी जगह। अब ये जितना भी एरिया मतलब पूरा चमकेगा तो यार धांसू ही लगेगा एक तरीके से ना, तो आगे देख लेंगे यार। वैसे तो हम तो निठल रहे हैं, कुछ काम तो हमें नहीं, आ जाएंगे बस ये देखना है कौन आएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, देखते हैं शाम को। आपको क्रेन दिख रही होगी, इसी क्रेन से और ऐसी एक दो और थी क्रेन, उनकी मदद से ही रावण लक्ष्मण और कुंभकर्ण को खड़ा किया है। तो गाइस ये कल के लिए कुर्सियां लग चुकी हैं यहाँ पे, जो जो आएंगे वीआईपी टिकट जिन पे होगा पास होगा मतलब। और ये आगे दिख रहे होंगे कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ और ये लंका अपनी सबसे प्यारी लग रही है भाई। और आपको आवाज़ें तो सुनाई दे रही होगी भोपू की यार। तो बस यही है मेले वेले में यही सब, अभी तो ये कुछ नहीं, अभी तो पास है, कल जब मेला लगेगा धांसू वाला तो कल लगेगा ना। नेक्स्ट व्लॉग में मिलना, और तब तक यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है यार। बहुत मेहनत लगी यार बनाने में, सुबह से ही लगभग हम यही फिर रहे हैं, तो आप देख सकते हो चहल पहल पूरी, लाइट वाइट लाइट का। चलो ठीक है, तो बाय।